इट्स रेनिंग रियली बैड आउटसाइड और मेरे को है ना बहुत मन हो रहा है बाहर जाने का और कुछ फोटोज निकालने का, कुछ अमेजिंग लोकेशंस है। एक मिनट आपको बता दो, क्या ही बारिश हो रही है यार। अभी इसमें कैमरा में इतना दिख रहा नहीं है पर मस्त बारिश हो रही है। सो वेलकम बैक टू माई चैनल, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड एंड यू आर वॉचिंग यश आंगरे। तो क्या बोलते हो, बाहर जाया जाए? मेरे को तो बहुत मन कर रहा है कि बाहर जाओ और मस्त औसम औसम वाले फ़ोटोज़ निकालो। बारिश भी मस्त आ रही है और थोड़ा सर्दी का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मैं हेलमेट पहन के जाऊंगा बाइक पे और रेनकोट पहन के जाऊंगा, भीगूंगा नहीं। और वो हेलमेट है ना मैं पहन के रखूंगा, मतलब निकालूंगा नहीं, ताकि मेरा सर है ना गीला ना हो और मैं अंदर से ड्राई ही रहूँ। थोड़ा अगर बॉडी भीग जाता है तो ठीक है, पर सर नहीं भीगना चाहिए। अगर सर भीगेगा तो थोड़ी सर्दी हो सकती है मेरे को। अगर क्लाइमेट थोड़ा चेंज होता है या फिर मैं थोड़ा बाहर निकल जाता हूँ तो उसका एलर्जी हो जाता है मेरे को, पता नहीं कैसे हो जाता है। तो हो जाता है तो मैं कंटिन्यूसली छींकने लगता हूँ। अभी जाता हूँ मैं और रेड चीख कैसे होता है, और मैं फ़ोन तो ज़्यादा निकाल नहीं सकता, फ़ोन से तो फोटो खींचना और मैं अकेला ही जाऊँगा। सो लेट्स गो। ओके सो दिस इज हाउ आई एम लुकिंग, एकदम स्केयर करो। और बारिश भी थोड़ी बढ़ चुकी है पर कोई भी मैनेजेबल है, और ज़्यादा लगा बारिश है तो मैं किसी साइड में रुक जाऊँगा। और ये कुछ तो मैं ऐसे लग रहा हूँ, और शायद जब को दिख रहा हूँ मैं पूरा ऐसे मैं ऐसे दिख रहा हूँ। और फिर जो अभी जाते हैं मस्त फटाक से मज़ा करते, थोड़ा बारिश में भी मज़ा आती है। चला मैंने बाइक फिलहाल, तो अभी मैं जा रहा हूँ सीबीडी और उधर करके आपको लोकेशन बताता हूँ मैं। सीन ये है कि मेरे को लगा नहीं था कि इतनी बारिश रहेगी, क्योंकि पूरा वाइट दिख रहा है वहाँ पे दूर तक सब बिल्डिंग दिखती थी, लेकिन अभी कुछ नहीं दिख रहा है। और मेरे को लग रहा है कि आगे चल के और ज़्यादा तेज़ बारिश ना हो, क्योंकि मेरे को फोटोज निकालना है यार, इतनी भी तेज़ बारिश ना हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी बारिश एकदम अलग ही हो रही है, एकदम पता नहीं टेढ़ी मेढ़ी ऐसी एकदम नॉर्मल बारिश नहीं लग रही है मेरे को। और ये देख सकते हो आप पूरा इलाका, ये मैं यहाँ की फ़ोटो ज़रूर लूँगा। यार बाइक खड़ी करने को भी डर लग रहा था, क्योंकि हवा इतनी तेज़ है कि गिर ना जाए मेरी बाइक। अगर बाइक गिर गई ना तो पूरे वांदे हो जाएगी। मैं अभी थोड़ा देर कैमरा चालू ही रखता हूँ, मैं आगे का सीन बताता हूँ आपको, क्योंकि बहुत ये बारिश मैंने बहुत सालों बाद देखी है इसे। मतलब इतनी तो तेज़ नहीं देखी मेरे एरिया में, क्योंकि इधर इतना बारिश होता है पर इतना ऐसा नहीं होता जिधर पूरा फॉग हो जाए। धक्का मारू, धक्के से होएगा पेट्रोल रिजर्व। हाँ नीचे होता है, हाँ नीचे होता है। पानी गया क्या अंदर? बहुत तेज बारिश है, धक्का मार के देखो एक बार, होती है तो देख लो। चलो फिर
आपको भी किधर ऐसा लगता है कि किसी को सही में मदद की ज़रूरत है भाई, इग्नोर मत करो, कुछ हफ्ते जितना हो सके उतना हेल्प करो भाई। मदद की सबको ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं कि किसको मदद की ज़रूरत नहीं होती, तो ज़रूर मदद करना भाई। आपको कभी भी कोई भी ऐसा दिखा, भले वो बड़ा कितना भी बड़ा, अमीर हो या गरीब हो, मदद अपना अपना फर्ज निभाना चाहिए। तो बस मैंने वही किया, अपना फर्ज निभाया। चलो भाई कुछ लगा तो कॉल कर देना। हाँ बिल्कुल। चलो भाई थोड़ी बारिश भी रुक चुकी है तो हम लोग थोड़ा आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। और लेट्स गो, अभी जाते हैं कुछ तो, एक आधा फोटो निकालते हैं। अभी थोड़ा टाइम तो हो गया मेरे को, लेकिन कोई नहीं, आज नहीं फोटो निकालूंगा, कल निकालूंगा, लेकिन एक ज़रूरतमंद की मदद कर दी मैंने, वही काफ़ी है मेरे लिए। आज मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, आज मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, कोई कल मेरी मदद कर दे ऐसे भाई। बुरा टाइम किसका नहीं आता, सबका आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। तो लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, मदद करते रहा करो और बस मजा करो लाइफ में, और क्या। तो अभी मेरे को फोटोज नहीं भी मिली ना तो भी मेरे को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बस मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी। एक तो बड़े दिनों बाद लॉकडाउन था, और लॉकडाउन के टाइम के बाद में इतने दिनों बाद बाहर निकला और किसी से किसी की हेल्प की, किसी से एक दोस्ती भी बन चुकी है, तो वो एक अच्छा फील होता है। और ये साला एक चश्मा मेरा ऐसा फॉग हो चुका है ना, क्या ही बताओ, ये क्या है भाई। मेरा कैमरा चालू है कि नहीं वो भी नहीं मालूम मेरे को, चालू तो किया था मैंने अभी, भाई सब पेट पेट गिर चुके भाई, इधर तो अलग ही आया था भाई। अभी बारिश तो कम हो गई है, आगे दिख रही है मेरे को बारिश। तो अभी मैं यहाँ नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ राइट, पारसी खेल जा रहा हूँ मैं। पारसी खेल में बहुत अच्छा आता है, अगर अलाउड रहेगा तो मैं जाऊँगा, नहीं तो यू टर्न मारेंगे। तो एक हाथ दो फोटो निकालेंगे और चलते वापस घर। बंद है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ यू टर्न मारते, यू टर्न मार, हाँ धाड़ पड़े, ठीक है ठीक है चल। मला वाटलंच बंद पडला असेल ते, तिथं पण खूप पडलं आहे, अचानक वारा आला एवढा, काय ना चला। थँक्यू, चलो भाई कॅन्सल, कोई नाही, लगाय था मेरे को कुछ तो वारेगा, एक अलग फीलिंग ही आ गया था मेरे को अंदर से। देखो भाई इधर तो पानी भर गया भाई, वाटर लॉगिंग एवरीवेयर, वाटर लॉगिंग। ओके, सो चलो मैं घर जा रहा हूँ अभी, क्योंकि ये डेड हो चुका है अभी, इसमें चार्जिंग नहीं बची, पूरा ख़त्म हो चुका है, इतनी तूफानी बारिश थी। अच्छा सा रिकॉर्ड किया रहेगा आई गेस, इसने अच्छे से रिकॉर्ड किया रहेगा, और ये वाटरप्रूफ है तो कोई टेंशन नहीं है। अभी मैं चलता हूँ फटक से घर, इसका मैंने फ़ोटो निकाल लिया है एक, अभी वो एडिटिंग में समझेगा मेरे को कैसा आया। और ये देखो अभी ये फ़ोटो। ओके, सो आपने देख ही लिया फोटो, अगर अच्छी लगी रहेगी तो ज़रूर लाइक कर देना। और चलो बस अभी जाता हूँ घर, और घर जाके मिलता हूँ आपको, बाय। क्या गिरा बे फोन, ये फक करने में ना भाई, मैं एक बार मरने वाला हूँ, बहुत गंदा। कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं देखता हूँ, एक बार देखता हूँ भाई। ओके, सो रुकावट के लिए खेद है, और सही बताओ कि मेरी है ना बहुत ज़्यादा फट चुकी थी जब वो फ़ोन गिरा था, क्योंकि जब अचानक से गिर गया, क्योंकि मेरे को आदत है ना ये ऐसा करने की, उसमें गिर गया वो, पता नहीं, एक तो हाथ गिले थे मेरे, और एकदम जोश जोश में मैंने ऐसा कर दिया, फोन ही गिर गया, और इतनी ज़्यादा फट गई थी ना मेरी वो बारिश में, इतनी नहीं फटी थी जितना वो फ़ोन गिरा ना तब फट गई मेरी भाई, क्या ही बताऊँ मैं। सो चलो कंटिन्यू करते हैं वीडियो पे। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, एकदम एडवेंचरस व्लॉग बन गया, पता नहीं कैसे एकदम अचानक से, क्योंकि मेरे को मैंने जरा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब हो जाएगा, किसी की गाड़ी बंद पड़ जाएगी, इतनी तेज़ बारिश आ जाएगी, सब पेड़ पौधे सब गिर गए थे, तूफानी बारिश आ गई थी भाई। मैंने लाइफ में ऐसे पहली बार है ना एक्सपीरियंस किया, मतलब इतनी तेज़ बारिश में तो मैं कभी नहीं गया हूँ, पर ये तो अलग ही टाइप की बारिश थी, पता नहीं कैसे आ गई अचानक। और बाद में जब आ रहा था मैं घर पे, तभी भी एकदम अचानक से ट्रैफिक भी बहुत बढ़ गई थी, ट्रक्स थे, गाड़ियाँ थी, सब एक दूसरे के इधर से जा रहे, उधर से जा रहे, बहुत ट्रैफिक भी बढ़ गई थी, तूफान भी बढ़ गया था और बढ़ गया था, जैसे जैसे मैं घर आ रहा था तो और ज़्यादा तेज़ हो गई थी। तो मैं जैसे तैसे करके ना मैं घर आया, और भाई
सही बताओ कि वो बाइक ने मेरी इतनी हेल्प की है ना, मतलब वो बाइक इतनी बढ़िया बाइक है मेरी, बाइक RS 200 बजाज RS 200, क्या बोलते, इतनी तेज हवा चल रही थी ना, फिर भी वो बाइक ने ना जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं दिया, ना हिली ना डुली, थोड़ी थोड़ी हिल रही थी वो तो भाई हिलेगी, लेकिन जो स्टेबिलिटी दी है ना उसने मेरे को एक बार भी डर नहीं लगा उसके ऊपर कि मेरे को कुछ हो जाएगा, मतलब इतनी बढ़िया तरीके से उसने परफॉर्मेंस दी है, एकदम टॉप नॉच थी भाई, हैट्स ऑफ टू बजाज भाई, सही बता रहा हूँ मैं, ऐसी बाइक बनाने के लिए। दूसरे बाइक वाले रुक रहे थे, मैं भाई आराम से चल रहा था, मेरे को कोई टेंशन नहीं था, मतलब इतनी आराम से चल रही थी इतने ज़्यादा बारिश में। सो बस चलो भाई इतना ही रखते हैं, अगर ये वीडियो इधर तक देख ही लिया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और नए लोगों को शेयर भी कर देना ताकि और नए लोग जुड़े ये चैनल से और अपनी फैमिली बढ़े। सो बस तब तक के लिए, टिल देन हैव फन, स्टे पॉजिटिव एंड लेट्स मेक दिस वर्ल्ड पॉजिटिव, मिलते हैं किसी ऐसी ब्लॉग में, चलो बाय।